सरस्वती की ही कृपा है कि अद्भुत अलौकिक और असंपन्न पूरी तरीके से परिपूर्ण प्रतिभा महाराज बाल साधु राजकुमार दास जी के अंदर है और मन को मुग्ध कर देती है आवाजें। आवाजों में इतना दम है कि कानों को सुनने के बाद शायद और आवाज़ों को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। और श्री राम नाम संकीर्तन अगर कान के अंदर पड़ जाए तो शायद जीवन धन्य हो जाता है। और हमारे अयोध्या में पधारे हम लोग के लिए सौभाग्य की बात, और प्रभु श्री राम का भूमि पूजन करा रहे हैं ये भी सौभाग्य की बात, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि प्रभु का भूमि पूजन और उसके बाद फिर मंदिर बनेगा। अयोध्या वासियों के लिए खुशी ही खुशी है। तो आइए सबसे पहले मैं अपने प्रभु श्री राम का स्वागत करूँ।
मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, बहुत वर्षों के बाद अयोध्या अब आए हैं, ये जो शब्द थे निशब्द कर देते हैं मुझे और पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि प्रभु राम का आगमन एक बार फिर से अयोध्या की इस पावन नगरी में पावन धरातल पर। दास जी, राजकुमार दास जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतनी प्रतिभा के धनी इंसान हैं, आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रखर ये बौद्धिक विकास, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज को ये श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि श्री रामचरित मानस में एक चौपाई लिखी है, कहा कि गुरु बिन भवनी तरैन कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता है, और ये मैं पूरी निष्ठा के साथ कह रहा हूँ कि गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता है, इसीलिए सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरु महाराज का है, श्री सरोजदास जी महाराज, उन्हीं की वजह से मैं इतना आगे बढ़ा और आगे बढ़ता रहूँगा। उन्हीं के बौद्धिक विकास और तेज़ी से हो, आप ऐसे मंच पे पहुँचे जहाँ मैं भी आपको जाने के लिए एक बार पूछना पड़े और दोबारा फ़ोन करना पड़े, ऐसी गुरुवर और महाबली श्री हनुमान से प्रार्थना मेरी, आप ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते रहें, अपने गुरु का नाम रोशन करते रहें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का नाम रोशन करते रहें। एक आखिरी पंक्तियों के साथ, आखिरी पंक्तियों के साथ आपसे विदाई, आपके सर चरणों में मेरा नमन। जी, आइए प्रभु श्री राम का एक छोटा सा भजन। जिस नगरी में हम आप सभी बैठे हैं, पहले उस नगरी की बखान कर दूं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ में ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ में ठिकाना हो, ओ त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, हनुमत के जैसी संतान हमारी हो, हनुमत के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और सत्य हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और सत्य हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम के भैया हो, राम कृपाति सदा मेरे सर पे छैया हो, राम कृपाति सदा मेरे सर पे छैया हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी जरूर। माँ सरस्वती की कृपा है, कंठ पे वास है, जीभा पे वास है, तभी यह आवाज़ दिल से, हृदय से और हृदय की गहराइयों से आती है। एक बार जय श्री राम आप सभी को। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी को, और ऐसे जीवन रहा मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में दोबारा आगमन हुआ तो फिर से आपके लिए राजकुमार दास जी के मुखारविंद से एक और भजन सुनवाऊंगा। इस वाणी को यहीं देता हूं विराम, श्री राम के चरणों में देता हूं विराम, और राजकुमार दास जी और उनके गुरु जी को मैं करता हूं प्रणाम। मैं रवि भट्ट, आप हैं अपूर्व पाठक जी कैमरे के पीछे, और इस अयोध्या टाइम्स के इस वीडियो को आप लोग जरूर पसंद करेंगे ये उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ दिस वीडियो। जय श्री राम।